सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारी जो ई कॉमर्स वाली सीरीज है वो कंटिन्यू है, और अभी तक जो है वो इस सीरीज के अंदर टोटल आई थिंक 11 वीडियोज आ चुके हैं। हाँ टोटल जो है वो इस सीरीज के अंदर 11th वीडियोज आ चुके हैं। सही है, 11 वीडियोज, और आज जो वीडियो है ये 12 वीडियो है, 12 वीडियो है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर जो है वो हम लोग इस सेक्शन को भी देखेंगे, बट इसमें कुछ चीज जो है वो मिसिंग है, पहले उसको कंप्लीट कर लें फ्लैश के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऐड टू कार्ट का बटन हमने नहीं बनाया। ठीक है, ऐड टू कार्ट का बटन हम बनाते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है इसको जो है फिक्स करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा जो है हम लोग मैं बताता हूँ, इसमें एक इशू आ रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो ये देखो कैसे स्क्रॉल हो रहा है, ये कार्ड स्क्रॉल हो रहे हैं ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये बहुत एक अजीब सी चीज लग रही है। तो देखो ये जो ओवरफ्लो हुआ है ना स्क्रॉल की वजह से जो ये आ रहा है, अब देखो ये फिक्स हो जाएगी ये चीज। ठीक है, अब ये चीज नहीं होगी, ये चीज जो है हमारी फिक्स हो चुकी है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो है वो यहाँ पर एक ऐड टू कार्ड का बटन चाहिए। अब ऐड टू कार्ड का बटन मुझे लगाना है यहाँ पर, इन्होंने तो एक के अंदर एग्जाम्पल ली हुई, मुझे सबके अंदर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं इसके एंड पर जो है वो ऐड टू कार्ट का बटन लगाने वाला हूँ। तो बटन में कैसे लगाऊंगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो है मैं कार्ड की जो ये बेसिकली हाइट है, मैं इसको 350 या 380 करता हूँ। ठीक है, 380 किया मैंने और रिफ्रेश किया, हाइट नहीं बढ़ी। अच्छा, मगर रेड तो यहाँ पर बताइए, बट 320 कर देता हूँ इसको। ठीक है, और यहाँ पर जो है मैं इसको यहाँ पर एक काम करता हूँ कि इसकी वेट जो है वो मैंने की भी 80% और कार्ड इमेज टॉप हाइट वेट, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ। सही है, 280 चाहिए, इमेज की हाइट बड़ी हो रही है मुझे लग रहा है। इमेज की हाइट अगर इस तरह से देखी जाए तो ये भी बुरी नहीं लग रही, इस तरह भी अच्छी लग रही है। ठीक है, तो इस तरह रहने देते हैं, और एक काम करता हूँ, ये जो कार्ड था ना बेसिकली जिसके अंदर मेरी इमेज थी, इसी के अंदर में एक बटन अगर बना हो तो मैं देखता हूँ ये बटन आता कहाँ पर है। ऐड टू कार्ड करके मैं एक बटन बनाता हूँ, और लेट सी ये बटन कहाँ देखने को मिलता है। तो देखो ये ऐड टू कार्ड का बटन जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जो मेरी प्रोडक्ट इमेज है बेसिकली मैं इसको एक बिन में डालता हूँ, लेट सी। ओके ग्रेट, अब ये जो है मैं इसको एक क्लास देता हूँ, क्लास मैं देता हूँ ऐड टू कार्ट मेन, ऐड टू कार्ट मेन। ठीक है, ऐड टू कार्ट मेन, इसको कॉपी करूंगा यहां से, और यहां पर आकर इधर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, बैकग्राउंड कलर मैं इसका दे देता हूं ब्लैक, और सॉरी मुझे ये इसको नहीं देना, मुझे इसको डिस्प्ले फ्लेक्स देनी है, और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलन करना है। ठीक है, और अब मैं पता है क्या करूंगा, अब मैं ये करूंगा कि इसकी जो ये हटाऊंगा, और यहाँ पर जो मैंने इमेज को दी हुई थी वेट, वेट दी हुई थी मैंने कुछ इस तरीके से, मैं दूंगा 100%। ठीक है, नहीं इस तरीके से नहीं यार, तरीके से करता हूँ, बस सही है, वो बैकग्राउंड हट गया ना तो अब ठीक लग रही है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, ये जो मेरा बटन है मैं क्लास देता हूँ ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ड BTM, और यहां पर जो है मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर दूंगा। ठीक है, बैकग्राउंड कलर दूंगा मैं इसको ब्लैक। ठीक है, और इसका कलर जो है वो मैं रख दूंगा व्हाइट, और इसका जो बॉर्डर होगा वो होगा नन, इसकी विड्थ जो होगी वो होगी 100%, इसकी आउटलाइन जो होगी वो होगी नन। ठीक है, आउटलाइन इसकी हो जाएगी नन, और इसकी विड्थ जो है वो मैंने दी हुई है 100%, बट ये 100% मुझे दिखाई नहीं दे रही,
मैं एक काम करता हूँ, मैंने ऐड टू कार्ट बिटिन को बिट दिया 100%, और इसको अगर एक और टिप में डालूँ मैं, और यहाँ पर स्टाइल अगर इनलाइन ऐड करूँ, अब मैं अभी के लिए जस्ट चेक कर रहा हूँ कि का कलर कहाँ पर अप्लाई हो रहा है, बैकग्राउंड कलर रेड, और इसकी वेट जो है वो करता हूँ 100%। नहीं यार, नहीं, इस तरह से जो है वो अप्लाई नहीं हो रहा, और मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको हटाना पड़ेगा, इसको भी हटाना पड़ेगा, बल्कि मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, अब मैं देखता हूँ यार, यहाँ पर मैंने इसको विड्थ दी थी 100%, बट ये जो है वर्क नहीं कर रही, मैंने फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दिया था, ठीक है, कहीं मैं कॉलम देखता हूँ, और इसको अगर बैकग्राउंड कलर दूँ रेड, और इसको विड्थ दूँ अगर मैं 100%, ग्रेट ग्रेट यार ग्रेट, और जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर कर देता हूँ, बल्कि जस्टिफाई नहीं, अलाइन आइटम सेंटर होगा, और इसकी वेट मैं कर देता हूँ 100%। ओके ग्रेट ग्रेट यार, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें जो है वो पैडिंग ऐड करनी है, टॉप और बॉटम में 0.5 फ्रेम की, लेफ्ट और राइट में तो ऑलरेडी है, 0.8 कर देता हूँ। ओके ग्रेट, मैं इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ जिस तरह से लिखा है, सेम एज इट इज में डाल लूंगा, और यहां पर देखो, यहाँ पर मैंने जो है वो डाल दिया है, और यहाँ पर जो है मैं इसका फॉन्ट साइज जो है वो इंक्रीज कर देता हूँ, फॉन्ट साइज जो है ऑलरेडी इंक्रीज है, मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, फॉन्ट साइज मैं कर देता हूँ 18 पिक्सल्स, ठीक है, और फॉन्ट वेट मैं कर देता हूँ 600 का, ठीक है, देखते हैं क्या इसी तरह से आ रहा है फॉन्ट वेट, आई थिंक सेम ही है, बट मैं थोड़ा सा कम करता हूँ, 500 करता हूँ, ठीक है, अब ठीक रह रहा है, ग्रेट। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको ना बॉर्डर बॉटम रेडियस दूंगा, बॉर्डर बॉटम राइट और लेफ्ट, बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस, इसी तरह राइट रेडियस, राइट रेडियस इधर मैं दूंगा 6 पिक्सल्स, और इधर भी दूंगा 6 पिक्सल्स, ठीक है, बल्कि ये चीज मुझे पता है किसको देनी है, इसको तो देनी ही है, बट साथ में जो मेरा रेड दिया हुआ है ना जहां पर मैंने, तो भी देखो देखो, ग्रेट यार ग्रेट, मैं 8 पिक्सल्स कर देता हूँ, एट पिक्सल इसको दिया, 8 पिक्सल इसको दिया, अब बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, अब मैं इसको बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ, देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल लग रही है चीज, इतनी ब्यूटीफुल लग रही है चीज, अब जो है वो बिल्कुल परफेक्टनेस आ गई है हमारी, एज इट इज जो है हमने सेम बना दिया, अब इसका कर्सर भी ऑलरेडी पॉइंटर है, अब मैं क्या करता हूँ ये चीज सब में डाल देता हूँ, ठीक है, ऐड टू कार्ट मेन से मैं कॉपी करूंगा, और इमेज की जगह में जाकर सबको रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है, लेट्स सी है, लेट्स सी, ग्रेट, बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, देख रहे हो। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, ये तो हमने बना दिया, अच्छा ये रिव्यूज भी आ गए, ये तो इस तरीके से डालना है ताकि पता चले कि कितने रिव्यूज हैं टोटल, ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ,
और जो मेरी बेसिकली ये थी, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक पैराग्राफ ले लेता हूँ या स्पैन ले लेता हूँ ताकि इसी लाइन में आए। सॉरी स्पैन, मैं तो कुछ भी लिखूं तो कहाँ आएगा। अच्छा वायरल, ठीक है, टोटल रिव्यूज करके बना देता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ गिफ्ट और क्लास देता हूँ टोटल रिव्यूज, ठीक है। टोटल रिव्यूज के बाद मैं एक पैराग्राफ लूंगा और जिसके अंदर जो है वो मेरे टोटल रिव्यूज आ रहे होंगे। और यहाँ पर अभी के लिए मैं 75 ले लेता हूँ। ठीक है, और मैं इसको जो है वो कलर बताता हूँ कौन सा रखूंगा मैं। फॉन्ट वेट तो इसका 600 ही लग रहा है मुझे देखने से। ठीक टोटल रिव्यूज के अंदर जो पैराग्राफ है बेसिकली मैं उसको स्टाइल करूंगा। टोटल रिव्यूज के अंदर जो पैराग्राफ है मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। और इसका जो कलर होगा, कलर ये होगा, और इसका जो फॉन्ट वेट होगा वो 500 होगा, ठीक है, बेसिकली 600 यार, सॉरी। आई थिंक मैंने जो है वो गलत लिख दी स्पेलिंग, रिव्यूज है रिव्यू नहीं है। ओके ग्रेट ग्रेट, बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा मैं क्या करता हूँ, इसको मैं एक काम करूंगा, ये जो रेटिंग है और ये टेब है, इन दोनों को एक मेन डिम में डाल देता हूँ। डिव लिया, यहाँ पर क्लास दे देता हूँ रेटिंग प्लस, रेटिंग प्लस रिव्यूज, ठीक है। रिव्यूज की स्पेलिंग गलत है, रिफ्लेक्ट भी अलाइन आइटम सेंटर किया, और इसको जो मार्जिन लेफ्ट है बेसिकली थोड़ा सा दे देता हूँ। कहाँ गया मेरा पैराग्राफ, बंद करता है, ठीक है। ओके आई ग्रेट, देखते हैं कि इसी तरह ही है, ये ज्यादा दूर तो नहीं हो गया, ज्यादा दूर लग रहा है यार मुझे। 0.5 दे देता हूँ, और अलाइन आइटम सेंटर कर दिया मैंने, हाँ अलाइन आइटम सेंटर कर दिया। अच्छा और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर जो है कहाँ पर मुझे डालना है, ये रेटिंग्स की जगह मुझे इसको कट करके यहाँ पर पेस्ट करते हैं। यहाँ पर भी आ गया, इसी तरह ऊपर जाऊंगा मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, और इसी तरह मैं ऊपर जाऊंगा इसकी जगह मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। ग्रेट यार ग्रेट, देख लो कितना परफेक्ट हो गया। तो अब जो है यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अब जो है वो मुझे न्यू कंपोनेंट की तरफ मूव करना, उससे पहले एक बटन भी रह गया यहाँ पर हमारा, मैं वो भी बना लेता हूँ। यहाँ पर डॉल्ट शिफ्ट एफ किया ताकि ये फॉर्मेट हो जाए सब कुछ, और इसके बाद यहाँ पर इन चार्ट से बाहर आऊंगा, तो दो लेग्स और यहाँ पर लेग फ्रेगमेंट डाल के मैं इसमें डाल देता हूँ, और यहाँ पर मैं एक डेप बनाऊंगा, व्यू ऑल प्रोडक्ट्स कंटेन, ठीक है। अच्छा इसके अंदर बटन होगा एक, तो व्यू ऑल प्रोडक्ट, ठीक है, और व्यू ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है। इस बटन को स्टाइल करते हैं,
व्यू ऑल प्रोडक्ट्स बीपीएन, इसको मैं कॉपी करूंगा क्लास को, और यहां पर आकर बैकग्राउंड कलर दे देता हूं। अच्छा, और यहाँ पर जो है वो पैडिंग ऐड करूंगा, पैडिंग टॉप और बॉटम में 0.5 एम की, लेफ्ट और राइट में 2 एम की। अच्छा, टॉप और बॉटम में मुझे लग रहा है ज्यादा है, मैं 0.8 कर देता हूँ। बॉर्डर नन कर देता हूँ, आउटलाइन मैन कर देता हूँ, बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ 8 पिक्सल्स, कलर कर देता हूँ वाइट। ठीक है, तो कलर जो है वो मैंने कर दिया वाइट, और सब चीजें जो है मैंने दे दी यहाँ पर, और बॉर्डर रेडियस मुझे लग रहा है ज्यादा दे दी है, मैं 6 कर देता हूँ। ठीक है, व्यू ऑल प्रोडक्ट्स बीटीएन के ऊपर जो मेरा कंटेनर था, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और इसको मैं मार्जिन टॉप दे देता हूँ, मार्जिन टॉप 3 एम का। ठीक है, मार्जिन ट्रिम नहीं, टॉप, मैंने मार्जिन टॉप 3 एम दिया, मुझे ज्यादा देना 6 किया, 6 जो है वो मुझे लग रहा है आई थिंक ठीक है, लेकिन लेफ्ट और राइट में जो पैडिंग है ना यार वो ज्यादा है, लेफ्ट और राइट में जो पैडिंग है वो ज्यादा है, मैं 3 का देता, 3 ज्यादा ही हो गई, सॉरी मैंने 4 कर दिया, 3 करना था। ठीक है, अब जो है वो बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, और यहाँ पर देखो अगर मैंने ज्यादा तो टॉप से नीचे नहीं कर दिया क्या, मैं 5 करता हूँ। ठीक है, या 4.5 में चलेगा। ठीक है, ग्रेट। तो यहाँ पर आप लोग देखो, हम लोगों ने जो है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर बना लिया है। अब जो है तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है ये सेक्शन बनाना है, बट देख लो अब वीडियो की लेंथ जो है वो काफी बड़ी हो चुकी है, तो और ये जो है वो टाइम टेकिंग है, ये चीज भी जो है वो टाइम टेकिंग है। तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये करेंगे कि यहाँ पर इस चीज का ना एक कॉम्पोनेंट बनाए। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये चीज यूज हो रही है, यहाँ पर भी सेम चीज यूज हो रही है। ठीक है, ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका कंपोनेंट बनाएंगे, और फिर जो है वो एक ही कंपोनेंट को बार बार यूज करेंगे, ताकि जो है यहाँ पर देखो ये चीज यूज हो रही है, तो इस कंपोनेंट को बार बार यूज करेंगे ताकि जो है हमें आगे मुश्किल ना हो। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है इस सेक्शन को कंप्लीट कर लेंगे। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये बताओ अच्छा लग रहा है या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।